हेलो स्टूडेंट्स, यह शिल्पी सैनी फ्रॉम सूरज स्कूल भिवाड़ी, पीजीटी इंग्लिश। होप यू आर ऑल फाइन एट होम। ओके, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू आवर सेम लेसन, द हैप्पी प्रिंस। दिस इज द थर्ड एंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस लेसन, लेसन 5, द हैप्पी प्रिंस बाय ऑस्कर वाइल्ड। ओके, एंड एज यू नो दैट वी हैव रेड दैट देयर वॉज अ स्वेलो एंड देयर वॉज अ हैप्पी प्रिंस, स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस। एंड द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस हैड गिवन मेनी instruction and orders to Swallow, and Swallow had followed all the instruction and orders because the Swallow was also a good bird. Okay, and he had also a human means he had also a kind heart. That's why he had followed all the instruction and order of the Happy Prince, as she had taken the diamond from red ruby from his sword hilt, and even she had taken the spears from his eyes, both spears. Okay, and she had and he had given to the needy people as per the instruction of the Happy Prince. And now the Happy Prince is blind, and the Swallow had decided not to go to Egypt. Okay, and Swallow had decided not to go to Egypt, and he had decided to stay with Happy Prince. Okay, class, this is clear? We have done all these things, and now we will start today's lecture from this paragraph. Open this paragraph in your book. Then the Swallow came back to the prince. अब Swallow जो है prince के पास आ जाती है. You are blind now, he said. So I'll stay with you always. तो स्वेलो ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब जो है वो प्रिंस के साथ रहेगी, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस है वो ब्लाइंड हो चुका है और उसने अपनी दोनों आईज जो है नीडी पीपल को दिलवा दी थी स्वेलो के थ्रू. नो लिटिल स्वेलो, सेड द पुअर प्रिंस, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट. अब हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो को कहता है कि नहीं, तुम्हें जो है इजिप्ट वापस जाना चाहिए, तुम्हारे फ्रेंड्स वहां तुम्हारा वेट कर रहे हैं. तो ये क्या रिस्पॉन्स करता है, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, सेट द स्वेलो. एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट ऑल द नेक्स्ट डे. ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन द स्ट्रेंज लैंड्स. अब क्या है कि हैप्पी जो स्वेलो है उसने ही द स्वेलो हैड डिनाइड टू गो टू इजिप्ट, इजिप्ट जाने से उसने मना कर दिया, और वो उसके पैरों में जा करके सो जाता है, स्टैचू के पैरों में जाके सो जाता है. और अगले दिन जब वो उठता है तो उसके कंधे पर बैठ करके उसने जो भी उस स्ट्रेंज लैंड की जो भी स्टोरी जो वो देखता है वो सारी बात जो है ना वो हैप्पी प्रिंस को एक्सप्लेन करता है. डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वीमेन. देयर इज नो मिजरी सो ग्रेट एज मिजरी, as there is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. अब ये कह रहा है जो है little dear little swallow, prince अब ये कहता है कि dear little swallow, तुमने जो चीजें मुझे बता रहे हो मेरी city के बारे में ये बहुत marvelous है, बहुत अच्छी शानदार चीजें हैं. But more marvelous than anything is the suffering of men and women. लेकिन उससे भी ज्यादा जो मार्वलस है वो मेरे लिए मेन और वीमेन की सफरिंग है. ठीक है क्लास, देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, और कोई भी जो है रहस्य इतना ज्यादा नहीं ग्रेट है, इतना ज्यादा बड़ा नहीं है जितना कि लोगों का दुख परेशानियां. तो मेरी सिटी के ऊपर उड़ के जाओ और जो भी चीजें हैं तुम जो देखते हो वो मुझे बताओ. इट मीन्स द हैप्पी प्रिंस हैड रियली अ वेरी काइंड हार्ट, दैट्स व्हाई ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन मार्वलस थिंग्स ऑफ हिज सिटी, ही इज इंटरेस्टेड इन मिसरीज इन सोरो ऑफ द पीपल. ओके, ही मीन्स ही इज इंटरेस्टेड टू नो द सफरिंग ऑफ द पीपल सो दैट ही कैन हेल्प देम थ्रू द बर्ड स्वेलो. वो जो है बर्ड के माध्यम से उनकी मदद करना चाहता था जहां तक उसकी पॉसिबिलिटी थी. क्लियर क्लास, सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सा द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेस व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स. ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स एंड सा द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स. अब जो क्या था, जो स्वेलो है वो पूरे तरीके से सिटी में एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द हैप्पी प्रिंस द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, वो उस सिटी में उड़ना शुरू कर देता है और वो देखता है द रिच पीपल वर मेकिंग मैरी, वो लोग मैरी मीन्स यहाँ पे खुश, वो लोग जो है बहुत ज्यादा खुश हैं
और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं अपने ब्यूटीफुल घर में। लेकिन जो बेगर हैं, वो बेचारे, बेगर मीन्स भिखारी, वो बेचारे गेट के पास बैठे हुए हैं और वो परेशान हैं, और मौसम भी वहां पर जो है ठंड का हो रहा है। फिर वो जो है डार्क लेन, अंधेरी गलियों में जाके देखता है, वहां पर देखता है व्हाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग एट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स। और वहां पर वो देखता है बेचारे भूखे बच्चे, स्टार्विंग मतलब भूखे मरना, विदाउट मीन्स विदाउट फूड, बिना भूख बिना भोजन के वो बच्चे भूखे मर रहे हैं, और वो जो है बिल्कुल लिस्टलेस मतलब कि बिना किसी सोच के यूं ही ब्लैक स्ट्रीट की तरफ देख रहे हैं, उनके पास भोजन पाने की कोई उम्मीद नहीं है और वो बच्चे भूखे परेशान हैं। Under the archway of a bridge, two little boys were laying in each other arms, in each other's arms to try and keep themselves warm. How hungry we are, they said. You must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the city. अब क्या हो रहा है कि archway, archway bridge का archway, bridge के ऊपर एक round सा ऐसे बना हुआ होता है जो bridge होते हैं, और एक घेर सा ऊपर होता है, कवर अप होता है, तो वहां पर दो बच्चे नीचे साइड में जहां पर थोड़े बहुत जैसे शेल्टर टाइप का बना हुआ था, वहां पर नीचे दो बच्चे बैठे हुए थे बेचारे, और वो जो है एक दूसरे को पकड़े हुए थे ताकि वो अपने जो है अपने आप को गर्म कर सके, और कहते हैं कि हम बहुत भूखे हैं। फिर वो कहते हैं यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन। फिर वहां पर एक वॉचमैन आ जाता है, वो कहता है कि तुम यहाँ पर इस तरीके से नहीं बैठ सकते। फिर वो बेचारे बाहर बरसात में निकल जाते परेशान होते हुए। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। आई एम कवर, फिर जो है ना ये जो हैप्पी प्रिंस के पास स्वेलो है, ये उड़ के जाता है और उसको सारी बात बता दे, देखा कि जो है रिच पीपल जो है खुश हैं और बेगर बाहर बैठे हुए हैं, और दो बच्चे हैं वो भी ऐसे परेशान हैं, उनके पास भी जो है रहने के लिए ढंग से जगह नहीं है। तो ये सारी बात जो है ना हैप्पी प्रिंस को स्वेलो बता देता है। फिर क्या होता है, आई एम, हैप्पी प्रिंस कहता है आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब क्या है कि हैप्पी प्रिंस यू कहता है कि तुम जो है ना मेरे बॉडी पे जो ये गोल्ड कवर है पूरा, जो फाइन लीव्स है, जो सुंदर गोल्ड की ये पत्तियां जो है पतली पतली बढ़िया, ये जो है तुम पुअर को दे दो, जाके गरीबों को तुम दे दो, ठीक है, क्योंकि जो जीवित लोग हैं उनको गोल्ड बहुत ज्यादा खुशी देता है, तो ये उनके काम भी आएगा, मेरे किसी काम का नहीं है। हैप्पी प्रिंस हैज इंस्ट्रक्टेड टू गिव द फाइन गोल्ड लीव्स फ्रॉम हिज बॉडी टू द पुअर पीपल, सो दैट दे कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम एंड सो दैट दे कैन बी हैप्पी फॉर सम टाइम। फॉर सम टाइम इसलिए क्योंकि कुछ ही समय तक जो है ये उनकी हेल्प कर सकता है, उसके बाद तो इसकी भी वैल्यू मतलब कि जब उसको यूज कर लेंगे तो फिर वो खत्म हो जाएगा ना। Leaf after leaf of the fine gold, the swallow picked off till the happy prince looked quite dull and grey. अब जो swallow है वो उसकी body का हर एक, किसकी, happy prince की जो body है जो covered थी fine gold leaf से, उसका एक एक leaf निकाल करके देता जाता है लोगों को जो कि poor people थे, जो needy थे। Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor and children's face grew rosier and they laughed and played in the street. We have bread now, they cried. वे बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास भोजन की व्यवस्था है और हम बहुत खुश हैं और जो है अब हम जो है खाना खा सकते हैं, और इस तरीके से वो बहुत ही खुश हो जाते हैं जैसे जैसे लीफ जो है हैप्पी प्रिंस का निकाल करके स्वेलो सबको देता है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो द फ्रॉस्ट, फिर जो है मौसम और ज्यादा ठंडा हो जाता है, स्नो शुरू हो जाती है, बर्फ गिरना, और बर्फ गिरने के बाद फ्रॉस्ट शुरू हो जाता है, सब कुछ जमने लग जाता है वहां पे। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, और चूंकि बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती है वहां पर, तो सिल्वर की तरह जो स्ट्रीट्स थी वो बिल्कुल सिल्वर के जैसे लगने लग जाती है। एवरीबॉडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और हर कोई जो है घर अपने फर के अंदर और फर वगैरह यूज करता है, और जो बच्चे हैं वो स्कारलेट कैप्स है और ये सब पहनते हैं और स्केटिंग करते हैं आइस पे, और ठंडा मौसम शुरू हो चुका है। एवरीवन वाज एंजॉयिंग इवन स्केटिंग, द बॉयज लाइक, ओके। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, ही लव्ड हिम टू मच, ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर एंड baker's door when the baker was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. Now what happened means the writer says that the poor little swallow grew colder and colder, colder and colder, और ये बहुत ज्यादा
जो है वहां पर ठंड बढ़ रही है, ठीक है ना। और लिटिल स्वेलो जो है वो कोल्डर एंड कोल्डर मतलब कि होता जा रहा है, बट ही वुड नॉट, लेकिन वो हैप्पी प्रिंस को नहीं छोड़ता है, बिकॉज ही लव्ड हिम टू मच। वो हैप्पी प्रिंस को बहुत प्यार करता था, वो उसको छोड़कर नहीं जाता है। और इन ऑर्डर टू मेक हिमसेल्फ वार्म ही ऑलवेज टुक सम ब्रेड पीस फ्रॉम द बेकर शॉप। बगल में बेकर शॉप है कहीं पे, वहां पर वो शॉप जब बंद होती है या बेकर इधर उधर होता है तो वो जो है वहां से उठा करके ब्रेड क्रम ले आती है, ब्रेड के चूर को, और उसको खा के अपने आप को गर्म रखती है। और कभी कभी वो गर्म रखता है, और कभी कभी वो अपने पंखों को फ्लैप भी करता है ताकि वो अपने आप को वार्म कर सके, गर्म कर सके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंसेस शोल्डर वंस मोर। और जब उसे ये रियलाइज हो जाता है कि वो मरने वाला है, व्हेन द स्वेलो हैड रियलाइज दैट ही वॉज अबाउट टू डाई, ही हैड कलेक्टेड ऑल हिज स्ट्रेंथ एंड ही वेंट टू द शोल्डर ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अपनी सारी जो है स्टेमिना और पावर कलेक्ट करके वो हैप्पी प्रिंस के सोल्जर पे चला जाता है। फिर कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। और अब ये फाइनली उसे कहता है, परमिशन लेता है कि गुड बाय डियर प्रिंस, अब क्या मैं तुम्हें जो हूँ किस कर सकता हूँ तुम्हारे हाथ पे। तो हैप्पी प्रिंस क्या रिप्लाई करता है, आई एम ग्लैड That you are going to Egypt at last. मैं बहुत खुश हूँ कि तुम Egypt जा रहे हो। Happy Prince कहता है कि बहुत अच्छी बात है तुम जा रहे हो Egypt तो। Little Swallow said the Prince. Little Swallow ये बात Prince से कहता है। फिर उसके बाद जो है ना, You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips for I love you. अब Swallow क्या कहता है? Swallow के response मतलब कहता है Happy Prince कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम Egypt जा रहे हो। लिटिल स्वेलो तो ये क्या कहते हैं फिर, ये यू हैव स्टेड टू लॉन्ग ईयर, तुम यहाँ बहुत समय तक रुके, तुमने मेरी बहुत मदद की, तो तुम मुझे मेरे लिप्स पे किस कर सकते हो मेरे हाथ की बजाय। दिस इज द ट्रू लव ऑफ बोथ मीन्स कैरेक्टर, यू कैन से द स्टैचू, द हैप्पी प्रिंस स्टैचू एंड द स्वेलो बर्ड। ओके, इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। स्वेलो ने कहा मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लिप, क्योंकि जो डेथ है वो जो है स्लिप का ब्रदर है, मैं उसी के घर जा रहा हूँ। ही फिर इसके बाद कहता है, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, और इसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के जो है लिप्स पे वो किस कर देता है। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, और जो है ना वो उसके कदमों में जाकर के गिर जाता है। कौन? हैप्पी प्रिंस के कदमों में उसको किस करके जाके वो गिर जाता है। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadful hard frost. क्या था, जब वो बर्ड उसके पैरों में जाके, मतलब वो जो स्वेलो था, जब वो हैप्पी प्रिंस स्टैचू के पैरों के पास जाके वो जब डेड बर्ड गिरता है, गिरती है जब बर्ड, तो क्या होता है, एक तरीके की आवाज आती है, क्यूरियस एक विचित्र आवाज आती है स्टैचू के अंदर से, जैसे अंदर से कुछ टूटा हो, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता है, द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू, जो लेडन हार्ट था वो जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। और ये वास्तव में बहुत ही ज्यादा ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट था, बहुत ज्यादा डेडली फ्रॉस्ट था, ये जो ठंड थी बहुत ज्यादा डेडली थी, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलियर, एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू, डियर मी How shabby this happy prince looks, he said. अगले दिन क्या होता है, मेयर अपने जो है ना काउंसिलियर के साथ वहां पर घूम रहा होता है, तो जैसे ही as they pass, जैसे ही वो उस लंबे जो है स्टैचू के कॉलम के नीचे से जब निकलते हैं, तब वो देखते हैं उसको स्टैचू को, तो फिर उसके बाद ये कहता है कि जो मेयर था वो कहता है कि कितना शैबी, शैबी मतलब अनटेडी, मतलब अच्छा नहीं दिख रहा है, भद्दा दिख रहा है, नॉट लुकिंग गुड। तो कहता है कि जो इस हैप्पी प्रिंस का स्टैचू जो है ये सुंदर नहीं दिख रहा है। And here is actually a dead bird at his feet, continued the mayor. और मेयर ने ये भी कहा कि इसके जो है पैरों के पास एक डेड बर्ड भी गिरी हुई है। We must really issue a proclamation that birds are not allowed to be die here. And the town clerk made a note of the suggestion. Proclamation मतलब order, rule, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है, वो कहता है कि यहाँ पर इसके पैरों के पास एक बर्ड भी गिरी हुई है, तो वो कहते हैं कि चलो हमें ना एक प्रोक्लेमेशन रखनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ पर मरना अलाउड नहीं है। ये एक तरीके का राइटर ने ना ह्यूमर क्रिएट किया है, मतलब एक तरीके से थोड़ा सा कॉमेडी क्रिएट करी है लेसन में। फिर इसके बाद वो जो टाउन क्लर्क थे वो भी इस नोट का सजेशन बना लेते हैं कि हाँ हाँ बर्ड्स आर नॉट अलाउड टू डाई हियर।
सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटिफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल. और इसलिए उन लोगों ने क्या किया, उसके स्टैचू को नीचे किया, नीचे उतारा, क्योंकि वो ना तो सुंदर था और ना तो यूजफुल था. ये बात किसने कही थी, सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कही थी. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस, और उन्होंने स्टैचू को फर्नेस में मेल्ट कर दिया. व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. ठीक है, ओवरसियर मतलब जो सुपरवाइज करते चीजों को, फाउंड्री वर्कशॉप जहां पर मेटल वगैरह को कास्टिंग की जाती, जहां पर फर्नेस होती है. तो वहां के जो भी देखने वाले थे वो कहते हैं कि ये कितनी विचित्र चीज है, उस फर्नेस मतलब भट्टी में जो भी वो उसको मेल्ट करने के लिए डाला गया था. और क्या है वो विचित्र चीज, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे. सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हिप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लेइंग. अभी कह रहे हैं कि जो है फर्नेस में ये जो डेड लेड हर्ट है ये तो मेल्ट ही नहीं हो रहा है. ठीक है, बाकी बॉडी तो मेल्ट होगी, बट दैट हर्ट लेड हर्ट वाज नॉट मेल्टिंग. ओके, एंड द ओवरसियर एंड अदर वर्कमैन हैव हैड डिसाइडेड टू थ्रो इट अवे. ओके, इन द हैप ऑफ द, इन द हैप, हैप मींस यहाँ पर डस्ट ढेर, डस्ट कूड़े का जो ढेर था वहां पर जो है उसको फेंक दिया, जहां पर ऑलरेडी डेड स्वेलो वहीं पर जो है रख पड़ी हुई थी, तो वहीं पर जो है इसको जो है डाल दिया गया. किसको, लेडन हर्ट को, जो कि वहां पर मेल्ट नहीं हो रहा था फर्नेस में. फिर इसके बाद जो लास्ट सीन है इसमें, ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, सेड द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स. तो भगवान जो है, गॉड जो है वो कहते हैं कि सिटी की दो प्रीशियस चीज लेके आओ. ठीक है, भगवान ने बोला. ठीक है, एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हर्ट एंड द डेड बर्ड. और जो एंजल थे, जो भगवान का जो देवदूत थे, वो क्या करते हैं, उस डेड बर्ड को और लेडन हर्ट को लेके आते हैं. तो भगवान उसको देख के बहुत खुश होते हैं और क्या कहते हैं, यू हैव चोजन राइट, यू हैव राइटली चोजन. ठीक है, फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड हैव सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गॉड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी. और भगवान कहते हैं जो भी डिसीजन तुमने लिया है वो बहुत सही लिया और बहुत सही तुम लेके आए हो, ये दोनों वास्तव में बहुत ही प्रीशियस चीज है. ठीक है, और फिर कहते हैं कि ये जो बर्ड है ये गाना गाएगी मेरे जो है इसमें सिटी ऑफ गोल्ड में, और जो हैप्पी प्रिंस है ये मुझे को प्रेज करेगा. पैराडाइज मैंने स्वर्ग, तो ये लिटिल बर्ड जो है मेरे स्वर्ग में गाना गाएगी और हैप्पी प्रिंस मेरे इस गार्डन को प्रेज करेगा. प्रेज मतलब प्रशंसा करना, एडमायर करना. आई थिंक द लेसन इज क्लियर. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दिस लेसन देन कॉन्टैक्ट टू मी क्लास. यू हैव टू राइट द कम्प्लीट समरी नाउ एंड यू हैव टू डू ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस एंड यू विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो. ओके क्लास, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.